आज की पॉलिटी क्लास में हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, और क्या जो प्रीएम्बल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स करी जा सकती हैं, और प्रीएम्बल में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन सबको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्रीएम्बल थॉरली लर्न होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में लिखा क्या है। ठीक है, तो प्रीएम्बल एक बार मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सोवरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice. Justice three types ki kaun kaun si? Social, economic and political. Social justice, economic justice and political justice. Liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship. ठीक है? और equality किस चीज की? Equality of status and equality of opportunity. And to promote among them all fraternity. Fraternity का मतलब होता है brotherhood. ठीक है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये लिखा हुआ है हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, तो देखो इसमें हमें मेन चीजें क्या पता लगती हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन दे रहा है? पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हमारी इंडियन स्टेट है उसका नेचर कैसा है, तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हर एक टर्म को हम डिटेल में आगे जानेंगे, पर हमें टर्म सारी पता होनी चाहिए कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, वो है सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं जस्टिस। जस्टिस तीन तरह की, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी। और हमने कब अडॉप्ट की थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन? दैट वाज ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर, मतलब 26 नवंबर 1949। सो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट ही आपको बता देती हूँ क्या चीज है। प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन टू द स्टैट्यू। स्टैट्यू का मतलब है लॉ। लॉ का इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। और हर एक पूरे वर्ल्ड में जनरली सारी कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रीएम्बल है ही। प्रीएम्बल ये जरूरी नहीं कि क्या लेंथ होगी, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिपेंड करेगा कि उनकी किस फॉर्म की, किस कंटेंट की और किस लेंथ की प्रीएम्बल है। सो लेंथ, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रीएम्बल डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, एक और बात, जो प्रीएम्बल है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या आइडियाज हैं और गोल्स हैं जो उन्हें अचीव करने हैं वो बताती है। ठीक है, और जो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो प्रीएम्बल इंडिया की क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और एक तरह से सोशल कंट्रैक्ट बिल्ड करती है बिटवीन द सिटीजंस एंड द स्टेट। ठीक है, और एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया बताती है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया में वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना और इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, इगैलिटेरियन का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अभी थोड़ी हम हिस्ट्री के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है प्रीएम्बल की। सो जो इंडिया की प्रीएम्बल है ना, वो ऐसे तो बनी नहीं। तो नेहरू जी ने बोला कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए कि हम प्रीएम्बल क्यों एस्टैब्लिश करें। सो जो इंडिया की प्रीएम्बल है दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया कि हम प्रीएम्बल में एसेंशियल फीचर्स डालेंगे ऑफ दिस न्यू स्टेट एंड बेसिक सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखेंगे। सो बेसिक सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड एसेंशियल फीचर्स मेंशन है हमारी प्रीएम्बल में। और जो वर्ड्स हैं वो सोवरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक हैं। ठीक है, और जो फ्रेटर्निटी क्लॉज था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था, बट जो हमारी इंडिया थी वो एक बहुत ही डाइवर्स नेशन था, इसलिए फ्रेटर्निटी क्लॉज को भी प्रीएम्बल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या पर्पसेस क्या हैं प्रीएम्बल के? सो किस कारण की वजह से प्रीएम्बल एग्जिस्टेंस में आई? प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करती है कि किस वजह से हम काम कर रहे हैं, और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और पर्पस भी बताती है।
हाउएवर प्रियम्बल डज नॉट ग्रांट एनी पावर, क्योंकि प्रियम्बल को हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, पर ये गवर्नमेंट को बाइंड करके रखती है। इन्फोर्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियम्बल तो जस्ट एक तरह से प्रीफेस है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बाकी सब कुछ जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे वाले पार्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। एंड प्रियम्बल इज नॉन जस्टिएबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है। ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव एंड पर्पज हो गए प्रियम्बल के, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्या है कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। सो इसके लिए कुछ केस एसोसिएटेड है, एक तो है एकी गोपालन केस 1950, बैरूबारी केस 1960, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। एंड लास्ट इज द LIC केस 1995, ठीक है। तो एके गोपालन केस में क्या आया कि जो प्रियम्बल है दैट इज जस्ट द गाइडिंग स्टार टू द गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जस्ट गाइडिंग स्टार है प्रियम्बल। पर बैरूबारी केस में ये आ गया कि प्रियम्बल कोई भी सोर्स ऑफ सब्सटेंटिव पावर नहीं है। अगर कोई चीजें हमें अनक्लियर होती है, मतलब एम्बिग्युएंस होता है, एम्बिग्युइटी होती है, सिर्फ उस केस में हम प्रियम्बल को रेफर करेंगे। बट गोलकनाथ केस में आया कि प्रियम्बल के में मेन ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो केस मैंने आपको बताया वो है केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और आप प्रियम्बल में सारी चीजें चेंज, मतलब आप प्रियम्बल में वो चीजें नहीं चेंज कर सकते जो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकती है, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते। प्रियम्बल में हमारे बेसिक फीचर्स हैं और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC केस में आया कि ये बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है और इसको रिमूव या इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है अब कि इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपका आंसर होगा येस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन से केस में आया, केशवानंद भारती केस 1973। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या कभी अमेंडमेंट हुई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बोलोगे हाँ जी सिर्फ एक बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। वो क्या हुई है, प्रियम्बल की हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत बार अमेंडमेंट हुई है, हम प्रियम्बल की बात करें। प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुई है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारी प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। और कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे। और इसमें केशवानंद भारती केस से यही है कि आप वो चीजें नहीं अमेंड कर सकते जो बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। सो तीन वर्ड्स मेनली ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, दैट वर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब हम हर एक टर्म को डिटेल बाय डिटेल जानेंगे कि हर एक टर्म कहती क्या है। सबसे पहले सोवरियन, सोवरियन का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है, हमारा नेशन है, वो ना ही किसी के डिपेंड, किसी पर डिपेंडेंट है, ना ही किसी का डोमिनियन है, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसकी सुप्रीम और अल्टीमेट पावर है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है स्टेट की। सो सोवरियन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट, ना ही वो डिपेंडेंट है, ना ही किसी की डोमिनियन है, सुप्रीम और अल्टीमेट पावर है। क्लियर हुआ, जो सोवरियन का कंसेप्ट था वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। और सोवरियन रियल भी है, नॉमिनल भी है, लीगल भी है और पॉलिटिकल भी है। बेसिकली अगर हम बात करें सोवरियन, सोवरेनिटी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, और इंटरनल फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी भी हो सकती है या पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी हो सकती है। सो सोवरियन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट होना, ना ही किसी पे डिपेंड होना, अपनी खुद की सुप्रीम और अल्टीमेट पावर का होना, उसका मतलब होता है सोवरियन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है सोशलिस्ट, ठीक है। हाउएवर जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोवरियन सोशलिस्ट का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो स्टेट का गोल है, स्टेट का गोल क्या है, सिक्योर और बेटर लाइफ देना और इक्वालिटी देना और अपॉर्चुनिटीज इक्वल देना लोगों को, ठीक है। इसके साथ सोशलिस्ट के साथ एक केस एसोसिएटेड है, वो है DS नकारा केस। उसमें बोला गया कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिसेंट होना चाहिए और हर एक बंदे के पास बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। हर एक लोगों के पास बचपन से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है एक बेटर लाइफ, एक अच्छी जिंदगी, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये होना चाहिए किसी भी स्टेट का गोल, ठीक है, समझ आया। सोवरियन मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, सोशलिस्ट मतलब गोल ऑफ द स्टेट इज टू सिक्योर अ बेटर लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स पीपल,
अब सेक्युलर का मतलब क्या हो जाता है? सेक्युलर का मतलब है गवर्नमेंट का खुद कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट देगी विदाउट इंटरफेयरिंग। जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है इंडियन सेकुलरिज्म से, और सेकुलर का मतलब है स्टेट किसी भी रिलीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, अपने मतलब अपने आप का कोई रिलीजन नहीं मानेगी, ठीक है। स्टेट सबको इक्वली ट्रीट करेगी, हर एक रिलीजन को विद इक्वल रिस्पेक्ट ट्रीट करेगी, और किसी की भी लाइफ में रिलीजियस चीजों को लेकर इंटरफेयर नहीं करेगी। अगर किसको कोई रिलीजन अडॉप्ट करना है नहीं करना वो उसकी पर्सनल चॉइस होगी, ठीक है। अभी स्टेट के साथ तीन केसेस एसोसिएटेड है मेनली। एक है सेंट जेवियर्स केस, इसमें इसने में बोला कि जो स्टेट है वो नीदर प्रो गॉड होगी नीदर एंटी गॉड होगी। एसआर बम्बई केस में बोला कि जो सेक्युलर वर्ड है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अरुणा राय केस में ये आया कि अगर इंडिया सेक्युलर है इसी की वजह से बाकी रिलीजन्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सो सेक्युलरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स रिलीजन्स। सेक्युलर मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। सो डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड कैरेटोस का मतलब होता है अथॉरिटी, मतलब लोगों की अथॉरिटी, मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ हम एलिमेंट्स जाने, तो वो क्या है कि जैसे जो गवर्नमेंट है वो पीरियोडिकल इलेक्शन से इलेक्ट होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, मतलब हर एक बंदा लॉ की आईज में क्या है, इक्वल है। जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और UAF दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, मतलब जो भी 18 ईयर से अबव है उसके पास राइट टू वोट है। सो डेमोक्रेटिक का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। अब रिपब्लिक का मतलब और डेमोक्रेटिक का मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ऑलवेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ मोनार्की, मोनार्की नहीं है वहां पे, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है वो हमेशा लोगों के हाथ में है, और जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टर्म आ जाता है जस्टिस, ठीक है। जो हमारी प्रियम्बल है उसमें तीन तरह की जस्टिस डिफाइंड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल का मतलब है आप किसी के भी बीच में डिस्टिंक्शन नहीं करोगे, डिफरेंस नहीं करोगे इन द पॉलिटिकल मैटर, मतलब एब्सेंस ऑफ एनी अनरीजनेबल और डिस्टिंक्शन इन द पॉलिटिकल मैटर्स, वो हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है आप इक्वल पे दोगे फॉर द इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, मतलब इकोनॉमिकली सबके साथ जस्टिस हो रही है। सोशल जस्टिस का मतलब है आप हर एक तरह की इनइक्विटीज, मतलब जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो वो नहीं होंगे, वो हो गया सोशल जस्टिस। सो हमारी प्रीएम्बल में तीन तरह की जस्टिस डिफाइंड है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। एक रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है जानना। इसमें क्या है कि इंडिया में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर अफर्मेटिव एक्शन, जैसे आपको देखा होगा रिजर्वेशन दी जाती है काफी सारी कैटेगरीज को, वो हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब रिजर्वेशंस दे रहे हो आप किसी पिछड़ी हुई कास्ट को आगे लाने के लिए, वो सब अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आ जाते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब है आपको छूट मिल रही है, पावर ऑफ डूइंग व्हाट इज अलाउड बाय द लॉ, आपके ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रेन नहीं है। सो लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, थॉट है, एक्सप्रेशन है, फेथ है एंड वर्शिप है। अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सबको मिलने चाहिए, मतलब आइडिया ऑफ इगैलिटेरियनिज्म होना चाहिए, मतलब सबका साथ सबका विकास और सबको इक्वल राइट्स एंड इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट फ्रेटर्निटी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था बट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के द्वारा इसको ऐड किया गया। उसमें क्या था कि स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होनी चाहिए, मतलब पीपल आर चिल्ड्रन ऑफ सेम सॉइल, एक भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी की वजह से एक सीमेंटिंग फैक्टर होगा हमारी कंट्री में। और जो कंसेप्ट है इसमें दो कंसेप्ट है, एक तो सैलड बाउल का कंसेप्ट और मेल्टिंग पॉट का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है, इसलिए कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है डाइवर्सिटी के कारण, क्योंकि सैलड बाउल एंड मेल्टिंग पॉट के कंसेप्ट है, और इस वजह से स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड के लिए फ्रेटर्निटी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक भाईचारे की फीलिंग और ऐसी फीलिंग कि हम सारे एक ही मिट्टी में जन्मे हुए बच्चे हैं और हम सब साथ हैं, यूनिटी है, ये सारे कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द प्रीएम्बल।